यहाँ पर आप देख ही सकते हो एक कार की वजह से पूरी ट्रेन ही पलट गई, मतलब पूरी ट्रेन बहुत ही खतरनाक तरीके से उसका एक्सीडेंट हो चुका है और पूरी ट्रेन यहाँ पर पलट चुकी है। ओ भाई साहब, पूरी ट्रेन ही पलट गई और यहाँ पर एक कार की वजह से पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक कार ने टक्कर मारी और पूरी ट्रेन ही एक्सीडेंट में चली गई। ये देखो गाइस, हाँ घुस गया, खराब हो जाएगा, मैं बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हाय गाइस, वेलकम टू द गेमिंग चैनल। तो गाइस आज मैं लगा रहा हूँ ट्रेन से रेस और देखना ये है कि सबसे पहले ब्लड फोरम पर एक ट्रेन पहुंचेगी या मैं पहुंचूंगा। तो यहाँ पर हमने कार की स्पीड बढ़ाई पर ट्रेन भी कम नहीं है, उसने भी फुल स्पीड लगा लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले ब्लड फोरम पर एक ट्रेन पहुंचेगी या मैं पहुंचूंगा, तो देखना यही होगा। तो यहाँ पर अपनी कार की स्पीड हो चुकी है 130, तो हमें सबसे पहले ब्लड फोरम पर पहुंचना है कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा ट्रेन में, मतलब ब्लड फोरम पे। तो यहाँ पर अपनी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ब्लड फोरम बस आ ही चुका है रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी कार पूरी पलट गई। ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक तरीके से जंप मारा। और यहाँ पर अब ये ट्रेन अभी भी हम पहुंच सकते हैं, पर ये क्या, हमने ट्रेन को टक्कर मार दी और ये हमारी कार का बैलेंस बिगड़ा। अरे सीधी हो जा रहे, अरे भाई भाई यार, अभी भी मेरे पास मौका है तो मैं सबसे पहले पहुंच सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी कार की रेस खींची, तो देखना ये होगा कि कौन जीतेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल स्पीड में अपनी कार को भगाई और भाई मैं जीतने के बिल्कुल करीब हूँ। और गाइस कमेंट करके बताना कि कौन जीता। और भाई साहब क्या ही उसकी, वो भाई साहब मतलब पूरी कार ही इतनी खतरनाक तरीके से जंप मारा और गलती से अगला बटन दब गया और ट्रेन के सामने आ चुका हूँ मैं। ओ भाई साहब, अरे यहाँ पर कार ने ट्रेन को ही साइड में कर दिया, तू साइड में हो जा। और यहाँ पर इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा हमारे ऊपर, मतलब पूरी हमारी कार को ही साइड में कर दिया, बोला कि तू साइड में हो जा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेन आके रुक चुकी है, तो हमें अब एक्सीडेंट कराना है क्योंकि एक्सीडेंट कराए बिना मेरे को मज़ा नहीं आता है गाइस। तो यहाँ पर हमें ट्रेन, यहाँ पर इसको रेड सिग्नल मिला हुआ है इसलिए यहाँ पर रुकेगी। तो यहाँ पर दो बहुत सारी ट्रेनें खड़ी है, हैवी ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पर। तो भाई साहब इतना खतरनाक ट्रैफिक, एक साथ तीन तीन ट्रेनें और सामने से भी एक और ट्रेन आ रही है जो कि आप देख ही सकते हो। कैसे देखोगे यार, मैं दिखाई नहीं रहा हूँ तो कैसे देखोगे। अब मैंने ट्रेन को दिखाया और वो ट्रेन आ रही है जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, और ये देख सकते हो इसका यहाँ पर स्टॉप है इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे आ रही है। अब यार जल्दी निकल यार, हमको एक्सीडेंट भी करवाना है, पर ये बहुत धीट है, ये इतनी जल्दी नहीं सुनेगी हमारी, इसलिए ये धीरे धीरे निकल रही है बिल्कुल। अरे यार जल्दी निकल जा यार, तू कैसे भी करके, मतलब नहीं निकलेगी। अरे यार क्या करूँ मैं इसका, क्या करूँ इसका, मार भी नहीं सकता मैं, क्या करूँ इसका। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो इसके एसी के कोच क्या ही प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पर अपनी कार सोच रही होगी कि यार ये कब निकलेगी और कब मेरा, अरे देखो गाइस वाओ, अंदर का व्यू दिख रहा है पूरा, ये जनरल कोच और ये सारे जनरल के कोच देख ही सकते हो आप लोग। और आप देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे ये ट्रेन चलने लगी, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और ट्रेन चल चुकी है जिसका हमने एक्सीडेंट कराना है, वो चल चुकी है। तो चलो गाइस पुलिया पे जाके उसका एक्सीडेंट करवाते हैं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर ये चल, कितनी बार देखोगे आप यार, कितनी बार बोल दिया मैंने, आप देख ही सकते हो, देख ही सकते हो। और गाइस यहाँ पर हम एक्सीडेंट करवाने के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं, दोनों ट्रेन एक साथ चली है, उधर की साइड भी वो ट्रेन चल चुकी है और इधर की साइड लाल कलर की हमारी ट्रेन चली है, मतलब लाल कलर का इसका इंजन है तो चल चुकी है। तो सबसे पहले हमें पुलिया के पास पहुँचना होगा जहाँ पर इसका एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक वाला होने वाला है। तो यहाँ पर हम पुलिया के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, मतलब पुलिया पे ही पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर कार को लगाते हैं आरडी और ये अपनी कार यहाँ पर पलटने वाली थी पर बच गई। तो सबसे पहले अपने को इसको थोड़ा ऐसा सिस्टम करना होगा कि ट्रेन आगे इससे जा नहीं पाए, मतलब इससे आगे नहीं जा पाए ट्रेन, ऐसा सिस्टम करना होगा। और ट्रेन बस आने वाली है और आप देख ही सकते हो यहाँ पर अपनी कार को पलट, उससे पहले ही ट्रेन आ गई और पूरी ट्रेन यहाँ पर पलट चुकी है, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी खतरनाक तरीके से पूरी ट्रेन यहाँ पर पलटेगी, पर आप देख ही सकते हो भाई साहब बहुत खतरनाक तरीके से पलटी है। तो और इधर की साइड इस ट्रेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपने आप चल रही है, मतलब अपने आप जा रही है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितना भी एक्सीडेंट हो। और सच में यार गाइस बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पर, देखो गाइस। और आप सामने की साइड एक और ट्रेन आ रही है, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होता है क्योंकि ये इंजन देखो बिल्कुल पटरी के पास खड़ा हुआ है, तो क्या एक्सीडेंट होगा। तो उससे पहले उस ट्रेन को देखना होगा अपने को, और ये इंजन बिल्कुल इसके पास ही खड़ा हुआ है तो क्या इसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो ट्रेन आ रही है उसका। तो ये बहुत ही सुपर फास्ट ट्रेन है और ये देख सकते हो ये फुल स्पीड में आ रही है यहाँ पर, और देखना ये होगा कि पर कुछ नहीं हुआ। अरे गाइस यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पर हम फंस चुके हैं ट्रेन के पास और हम बिल्कुल स्टेशन के पास जा रहे हैं फंस के।
और यहाँ पर हम फंस चुके हैं बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो अब ये हमारा मन नहीं भरा है, तो हम और भी एक्सीडेंट करवाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, वहाँ पर होगा एक्सीडेंट। और अब देखो भाई साहब क्या होगा, तभी मैं वहाँ कहाँ जा रहा था मेरे को खुद को पता नहीं। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर ट्रेन फुल स्पीड में यहाँ से निकल गई, और आपको पंछियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मैं माहौल में ऐसे बैठा हूँ, और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर। तो यहाँ पर कराएंगे हम एक्सीडेंट। तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर हमने फाटक को खोल दी है, पर ट्रेन बहुत दूर है। कहाँ है ट्रेन, दिख नहीं रही। हाँ वो रही ट्रेन। तो फाटक को वापस से बंद करते हैं, पर क्या है, क्या फाटक बंद ही नहीं हो रही गाइस, क्या करूं मैं। अरे भाई साहब फाटक बंद हो जाए यार। यार गाइस यहाँ पर फाटक बंद ही नहीं हो रही। अरे क्लोज दबा दिया 10 बार मैंने, और अभी तक भी फाटक बंद नहीं हुई। ओ यार अब सारी गाड़ी निकल जाएंगी, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। किस्मत में होगा तो एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा गाइस। तो आप कमेंट करके बताओ एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा मेरे। अरे ये क्या एक्सीडेंट नहीं हुआ, इससे पहले एक और ट्रेन आ चुकी है फुल स्पीड में यहाँ से निकलती हुई, और वो ट्रेन भी बिल्कुल पास आ चुकी है। तो अब देखना ये है कि एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो आप देख ही सकते हो ये ट्रेन आ चुकी है, और एक कार आई बीच में, और ये देखो गाइस इसने इसको टक्कर मारी और पूरी ट्रेन ही पलट गई। ओ भाई साहब, मतलब एक छोटी सी कार ने पूरी ट्रेन को पलटा दिया, और अभी भी ये कार वाले नहीं मान रहे हैं, देखो अंदर घुसा रहे हैं पूरी तरीके से। जैसे कि आप, मैं आपको एग्जांपल दूं, ये लाल कार वाले देखो, अब देखो वो उधर की साइड पूरे घुसाने में लगे हुए कारों को, पता नहीं क्यों इनको पता है सामने एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, फिर भी ये घुसाने में लगे हुए। और ट्रक वाले को देखो, इसको अलग ही चोट मच रही है सारे, और ट्रेन करंट लगेगा ना तो दोनों खत्म हो जाएंगे तुम। और ये देखो ये गायब हो गए, ये बोलने में जा रही हूँ। मतलब यार क्या यार, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट करवा दिया, ट्रैफिक जाम। तो चलते हैं इस कोच के अंदर, और देखना ये कोच के अंदर का कैसा व्यू आ रहा है गाइस। तो आप देख ही सकते हो क्या ही खतरनाक व्यू आ रहा है। और ये देखो ये सब अंदर घुसाने में लगे हुए हैं। हाँ घुसा दे घुसा दे, हाँ घुसा दे अंदर घुसा दे, हाँ घुस जा घुस जा घुस जा उसके अंदर। अबे पागल है क्या यार, पूरा घुसाने में लगा हुआ है यार तू भी। और ये देखो वो ऊपर उड़ के पता नहीं कहाँ जा रही है। अबे कहाँ उड़ उड़ के जा रहे हो, रुक जाओ यार तुम। मतलब ये सब उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और इंजन भी घूमर घूमर डांस कर रहा है, देखो इसके पहिए देखो पूरे घूम रहे हैं। मतलब यार कुछ भी हो रहा है हमारे साथ। और एक कार वाला उड़ के उधर साइड में हो गया, और उड़ दूं। और इसको देखो, अब इसकी कमी थी, इस नमूने को देखो आप। तो गाइस ऐसे नमूने पने हमारे वीडियो में होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसे नमूने वाले गेम प्ले अगर आपको देखने हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।